अस्सलामुअलैकुम उसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं अरसलान कियानी। नाजरीन, एक बारात जो पहाड़ बन गई, आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आता होगा कि यहां पर एक पहाड़ है जो कि एक बारात है। दुल्हा और दुल्हन भी यहां पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं जिसको डोलियां कहा जाता है और यहाँ की मुकामी ज़बान में डोली लफ्ज़ बारात के लिए यूज़ किया जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ की बुज़ुर्ग शख्सियात के बारे में जानेंगे कि क्या हकीकत है, ये बारात कैसे पत्थर बनी, कैसे ये दुल्हा दुल्हन यहाँ पर मौजूद हैं। उनके बकौल यहाँ से जब बारात दूसरे गांव जा रही थी और उन्होंने एक दरबार में मन्नत मांगी, वो मन्नत ये थी कि अगर ये बारात खैरियत से गई और वापस आई तो अल्लाह की राह में बकरा कुर्बान करेंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने बजाय बकरा कुर्बान करने के जू सर से निकाली, जू मार कर उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह की राह में न्याज दे दी, जिसके बाद उनको अल्लाह का आज़ाब नाजल हुआ और वह ये आप देख सकते हैं कि यह बारात जो है पहाड़ का रूप इख्तियार कर गई। तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि इसमें हकीकत कितनी है, सच्चाई कितनी है यहाँ की मुकामी शख्सियात से। देखते रहिए यह वीडियो। जी नाज़रीन, इस वक्त इसी गांव के रहायशी ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम से इस सारी कहानी की हकीकत क्या है, तारीख क्या है और इस सारी कहानी का सुनहरियो क्या है, इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़फ़र साहब, ये सारी कहानी कितनी हकीकत पर मबनी है, ये सारा सुनहरियो क्या है, ज़रा नाज़रीन को भी बताएँ। असल में हकीकत तो बहुत पुरानी है, असल चीज़ जो है वो ये नाम डोलियाँ है। तो डोलियाँ जब इधर से कोई बारात आई तो आगे जा रही थी, नूरशाह बादशाह दरबार है आगे पिटाला में, तो इन्होंने एक मंत मानी थी कि हमारा अगर ये काम हो गया तो हम वापसी पर बकरा चढ़ाएंगे। ठीक है, तो वापसी पर उन्होंने बकरा तो नहीं चढ़ाया, उनका काम हो गया बकरा तो नहीं चढ़ाया, तो उन्होंने आकर यहाँ आकर दरबार पर जूम मार दिए। जहाँ जहाँ वो जा रही थी बारात वहाँ पर सब वो सील पत्थर हो गए। तो उस अरसे दराज बहुत अरसा हो गया, तो उस अरसे से इसका नाम डोलियाँ पड़ा हुआ है, नाम डोलियाँ रखा गया है। अच्छा, ये जो डोली जिसको हम बारात कहते हैं, तो ये डोली जा रही थी, इस वजह से इस जगह का नाम ही डोलियाँ रख दिया। हाँ जी, इसी जगह इसी वजह से डोलियाँ नाम रख दिया है। और ये सारी कहानी कितनी हकीकत पर मबनी है और इसकी तारीख क्या है? देखो, ये तारीख तो बहुत पुरानी है, तारीख तो अरसा दराज से, जब कोई आदमी कोई मंत्र मानता था या कोई चीज़ हो तो अल्लाह ताला निजात उसी टाइम उस पर वो अम्तहान होता है। अगर वो अम्तहान में कामयाब होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो फेल हो जाएगा हम पर। तो ये सारा ऐसे ही मामला हुआ है। और ये आपने किस से सुनी है और कब से ये सुनते आ रहे हैं और आगे ये कितने लोग और मजीद सुन रहे हैं? हम तो जब सूरत संभाली है तो डोलियाँ नाम तो पूछा क्या है, तो बुज़ुर्गों ने साहब ने बताया कि ये ऐसे हुआ है, वाकया ऐसे है। तो हम आगे जो बच्चे या और कोई सारे ग्राम वगैरह हुए सारे ऐसे ही बोल रहे हैं कि जी ये डोलियाँ ग्राम है नाम है इसका। तो ऐसे हुआ था कि किसी ने मंत मान दी, तो इधर वो मंत उसने अदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने उसको अजाब में डाल दिया, वहाँ पर ही पत्थर हो गया ये। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और एक और इस गांव के रहायशी हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो सारी कहानी है इस पर कितनी हकीकत है और ये कितनी पुरानी है, इसकी क्या तारीख है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मलक तारक है। और ये जो सारी कहानी है, ये कहते हैं कि बारात यहाँ से जा रही थी और ये पहाड़ बन गई, इस पर कितनी हकीकत है, कितनी पुरानी है? हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना है कि ये कई सौ साल पुरानी बात है। ठीक है, इस हकीकत को जानने के लिए तो खैर टाइम लगता है, लेकिन ये बारात जो है, ये पहाड़ जो है, ये सुना एक डोली बनी हुई है। ठीक है, और ये दूसरा वो ऊँट की शक्ल भी है। ये क्यों डोली बन गई थी, ऐसा क्या हुआ था, बारात जो है वो पत्थर बन गए थे? वो सुना है कि उस टाइम इंसान अगर कुछ करता था, गलत करता था, तो उसकी शक्लें बिगड़ जाती थी। ठीक है,
तो उस ज़माने से लेकर अब तक हमने तो आंखों से कुछ नहीं देखा, लेकिन बुजुर्ग से सुना है कि ये ऐसे वाकयात हुए। इन्होंने ऐसा क्या किया था कि ये पत्थर बन गए थे, आपको कुछ पता है? कुछ आपने के बुजुर्गों ने आपको बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, बस यही सुना है कि ये बारात जा रही थी, उन लोगों ने कुछ मतलब के इखलाकी तौर पर गलत किया है, मजहबी तौर पर गलत किया है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये सुना है कि ये बिगड़ा हुआ काम है। जी नाज़रीन, तो इस इलाके की एक और इंतहाई बुज़ुर्ग और ख़ूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। ये इसकी तारीख भी बताएंगे और इसके मतलब बताएंगे कि कितनी हकीकत है इस सारे वाक़े के अंदर। असल में हकीकत खुदा बेहतर जानता है, लेकिन आज से 200-250 साल पहले ये हमारे बुज़ुर्गों से कहानी चली है कि एक बारात जा रही थी, बारात जब उस नाला तमन में आई दाखिल हुई तो उनको कोई मुसीबत आ गई, पानी आ गया था या कोई वजह, तो उन्होंने बोला कि मैं अगर यहाँ से बाखरियत पार हो जाऊंगा तो बकरा ज़बह करूंगा। बहरहाल वो बाखरियत सब बारात जो थी वो चली गई, पास हो गई, बकरा तो उन्होंने ज़बह नहीं किया, लेकिन सुना है बाज़ कहते हैं कि मुर्गा किया है, बाज़ कहते हैं कि एक जूं को पकड़कर मार दिया है। इस हकीकत का कोई पता नहीं है। ये बारात यहाँ से चलती है, कलमण से चलती है और आगे त्यानपुर माकड़ा वहाँ तक ये पहाड़ है। इस पहाड़ के मतलब ये भी है कि यहाँ कोई आदमी ऊपर इसके जाता नहीं है, लेकिन एक आदमी गया है जो डोली थी जिसमें दुल्हन बैठती है, तो उन्होंने कोई पत्थर तोड़ने के मकान के पत्थर तो वो भी साथ तोड़ दिए, तो 2-3 दिन के बाद मामूली सा उनका पत्थर लगा और वो फौत हो गए। तो वे लोग यकीन कर गए कि ये सिर्फ डोली की वजह से, इस बारात की वजह से बने। बहरहाल इसके बाद अभी जो है वो जगह तो वही है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी लोगों ने अमेंडमेंट कर दिया, डोली तोड़ दिया, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ जिन्नात और चड़ेलें जिसको मम भी कह सकते हैं वो ज़रूर हैं, हमने खुद देखी हैं, ये सुना छुपाने वाली बात नहीं है। तो ये बताएं कि कितना पुरानी ये किस्सा ये है? तकरीबन मेरे अंदाजे में 200-250 साल पुरानी की बात है। अच्छा, आपको किसने ये बात बताई? मेरी बात मेरी अम्मी ने बताई है, और मेरी अम्मी को मेरे नाना ने बताई थी, और मैंने नाना से ये भी सुना था, यहाँ चड़ेले रात को गुजरती थी और मैं उनको आपस आवाज़ देता था अपनी बीवियों के नाम लेकर, तो वो खामोशी से चली जाती थी, वो जवाब नहीं देती थी। बाद में पता चलता जब मैं अपने कमरे में जाता था, पता चलता मेरी बीवियाँ तो यहाँ, वो चुड़ैल है। बहरहाल मुझे वो डरने वाले नहीं थे, डरे नहीं थे, ना वो किसी को नुकसान देते और ना कोई चीज़ उनको नुकसान देती। जगह का नाम डोलियाँ भी तभी रखा गया, इसका नाम ही डोलियाँ तभी रखा गया। जी तो नाज़रीन, हमने आपको इस इलाके की हकीकत के बारे में आगाह किया जो अजीबो गरीब दास्तां इसके साथ मुंसलिक थी। यहाँ की बुज़ुर्ग शख्सियात ने आपको बताया, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस पर कितनी हकीकत है और कितनी नहीं। बहरहाल एक बारात जो यहाँ से जा रही थी, उसने जो मन्नत मांगी, उसने वो मन्नत पूरी नहीं की, तो अल्लाह ने उसको सज़ा दी और वो बारात पत्थर बन गई। आज भी वो दुल्हा दुल्हन और वो डोली यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के लोगों के मुताबिक जो भी दास्तान थी हमने आपको बताई। उसाफ डिजिटल के साथ फिल वक्त इतना ही। मजीद हैरान कुन, इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए देखते रहिए उसाफ डिजिटल। खुदा हाफिज़।